नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं बाहर मजदूरी करते हैं और घर जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले चाहेंगे जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लें। इस न्यूज़ से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज आगे आती है तो आपको सबसे पहले बताई जाएगी। उससे पहले बात करें कोरोना वायरस को लेकर, जैसा कि आपको बताया ट्रेन बस सारी सेवाएँ बंद कर दी गई थी। इसके बाद बहुत सारे मजदूर महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। आपको हम बता दें कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने का यहाँ पे कहा गया है, लेकिन कहीं से भी आसार नहीं नजर आ रहा कि 3 तारीख को लॉकडाउन खोला जाएगा। इससे पहले मैं कुछ चीजों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको पता है कि कुछ टाइम पहले कोटा में फंसे हुए छात्रों को गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बसों को भेजकर कोटा में फंसे हुए छात्रों को घर बुलाया। तो इसी तर्ज पे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह से राजस्थान में कोटा में फंसे छात्रों को, विद्यार्थियों को घर वापस लाया गया, ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा व अन्य राज्यों में फंसे हुए जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घर भेजने की व्यवस्था की जाए और तैयारी की जाए। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि कोरोना प्रकोप के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन में महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में जो लाखों गरीब व प्रवासी मजदूर हैं जो बेरोजगारी और भुखमरी की मार झेल रहे हैं, उनको एक वक्त का सही से खाना भी नहीं मिल पा रहा और वे घर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से आग्रह की वह इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तथा लॉकडाउन के नियमों को सही से पालन करते हुए विशेष ट्रेन व बसों से उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाए, जैसा कि कोटा के छात्रों को भेजने के लिए किया गया था। तो सरकार भी इस पर विचार कर रही है। बता दें, जैसे ही आपको बता 3 तारीख तक अगर जो लॉकडाउन हट जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार भी इस योजना पर मंथन कर रही है। अगर जो कोई भी न्यूज आती है ट्रेन चलाने को लेकर कि कब से ट्रेन चलने वाली है तो सबसे पहले बताई जाएगी और सरकार कब घोषणा करती है कि ट्रेन कब से चलाई जाएगी ये भी आपको बताई जाएगी। और मायावती के इस फैसले को सरकार कब तक अमली जामा पहनाती है और कब तक मजदूरों को लाने की व्यवस्था करती है, जैसे ही न्यूज मिलता है आपको सबसे पहले बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।